बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ मास का वेरिएशन देखेंगे। ओके तो बच्चों देखिए, तो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ओके वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी हम देखेंगे। तो वो जो वेरिएशन ऑफ मास होता है, यानी मास का जो वेरिएशन होता है वेलोसिटी के कारण कैसे वेरी करता है, हम ये देखेंगे। क्लासिकली बात नहीं करेंगे, बल्कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे किस तरीके से ये वेरी करता है वो हम देखेंगे। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो बहुत तेजी से बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो मास है वो क्या हो जाता है, वेरी करता है। यानी इसकी जो किसी मास बॉडी की स्पीड अगर बहुत हाई हो जाए तो इसका मास क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है, वही हम देखेंगे। तो ये फॉर्मूला ये होता है, m will be equal to m not root में by root में 1 minus b square by c square, where m not is the rest mass, m is the variated mass. ओके तो आइए देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यहां पर लिया। अब ध्यान सुनना, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया। आपको पता है तो ये एक्स डैश है, वाई डैश है, जेड डैश है, और ये एक्स डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। और एक दूसरा फ्रेम है हमारा, ये दूसरा फ्रेम है हमारा, ये हमारा यस फ्रेम है, ये वाई है, ये y है, और ये x है यहां तक, और ये z है, यहाँ पे o डैश है, यहाँ पर o है, ठीक। तो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है और ये वाला क्या है, मोशन में है। कैसा मोशन, कांस्टेंट मोशन। तो कांस्टेंट अगर रेस्ट में है, ये कांस्टेंट मोशन में है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैं सब पढ़ा चुका हूं। तो ये दोनों इनर्शियल फॉर्म ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, अगर क्या करते है? कोई मास बॉडी क्या करता है कि बहुत तेजी से बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसका जो मास होता है वो वेरी करता है। तो इसको समझने के लिए हमको कोलिजन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कोलिजन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो उसके लिए करते क्या है, उसके लिए हम दो पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं जिसके मास m1 एंड m2 है। यहां पर दो पार्टिकल हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। यहां पे दो पार्टिकल कंसीडर कर लिया, एक यहां पर एक यहां पे। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसका मास m1 है और इसका मास कितना है, m2 है, ठीक। और जो यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है u1 है और इसका के कितना है, u1 डैश, वो सॉरी u डैश है, बसरते ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, तो ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इससे क्या है, रिवर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस हो जाएगा। ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, बिफोर कोलिजन की है, बिफोर कोलिजन की है, बिफोर कोलिजन की है। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये दोनों अप्रोच करेंगे, दोनों से क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, कोलाइड करने के बाद कोलैप्स हो जाएंगे, ये कोलाइड कर जाएंगे। यानी ये क्या है, m1 है, ये m2 है, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन है, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन है। तो आफ्टर कोलिजन ये ऐसे हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन अब जो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां से जो ऑब्जर्वर है यस डैश से रिप्रेजेंट देखेगा, तो इसकी वेलोसिटी यू डैश, इसकी माइनस यू डैश। लेकिन यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ये इस पार्टिकल को देखेगा, यहाँ का जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा, इसकी m1 की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी दिखेगी, मैं यहां दिखा देता हूं, u1 दिखेगी और m2 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u2 दिखेगी, ठीक है ना।
तो इसके रिस्पेक्ट में इनकी जो वेलोसिटीज होगी हम U1 U2 लेट कर लेते हैं यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से U1 U2 को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, मॉन्स्टीन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम या रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या कहती है? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कितना होता है? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम यू विल बी इक्वल टू यू डैश प्लस वी बाई कितना होता है? 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। क्या यही होता है? जी हाँ यही होता है। तो चलिए अब यहां से हम U1 निकाल लेते हैं। अगर मैं U1 निकालू तो क्या हो जाएगा, ये इन वेलोसिटी को देखिए, अगर U1 है तो पहले मास की बात करूंगा, U1 किसका पहले के लिए करूंगा, तो ये देखना क्या हो जाएगा। तो पहले के लिए U डैश पॉजिटिव में है तो U डैश प्लस V by 1 plus U dash V by C square, कोई चेंजिंग नहीं। बट U2 निकालूं तब ये कितनी है, M2 के लिए ये कितनी है, माइनस में है। तो माइनस में है तो बोलो कितना हो जाएगा, माइनस U dash प्लस V 1 माइनस U dash V by C square, जहां जहां U है माइनस रख दूंगा तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। तो ये तो वैल्यूज हमने निकाल लिया और रख दिया, ठीक है ना, ये चीज। और ये जो सारा सिस्टम मैंने बताया वो सारी बातें मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, एक बार उसे पढ़ भी लेते हैं तब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको राइट डाउन कर दिया हूँ, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस यस एंड यस डैश सच दैट यस डैश मूविंग वेलोसिटी वी टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेरिएशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। Let us consider two bodies of mass, M1, M2, moving in S dash towards each other with velocity U dash and minus U dash respectively, and consider U1, U2 are the velocities of same bodies relative to an observer in S frame of reference. ये story मैंने जो बताया वही लिखा हूं, तो एक बार आप इसे notes बनाएंगे तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो आगे हम प्रॉपर, यहां तक मैंने U1 U2 निकाल चुका। जब U1 U2 निकाल चुका तो अब देखिए, तो इन यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इन फ्रेम यस फ्रेम में हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम तो बताए क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल आप तो यही जानते हैं ना, टोटल LM बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल LM आफ्टर कोलिजन, टोटल LM बिफोर कोलिजन, टोटल LM आफ्टर कोलिजन। तो यस फ्रेम में उसकी वेलोसिटी क्या दिखती थी, ये U1 था, ये U2 था यस फ्रेम में। यस फ्रेम की जब बात करते थे हम तब, तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर कितना, दोनों कोलिजन के बाद क्या हो गए थे बताइए, एक दूसरे के पास आ गए थे, कंबाइंड हो गए थे M1 M2, और ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या मान लू, कॉमन मान लू, तो M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बात आप जानते हैं। अब U1 U2 की वैल्यू पता तो हम यहीं पे पुट कर देंगे, हम अब बाकी सॉल्व करते चले जाएंगे हम लोग। द वैल्यू ऑफ U1 एंड U2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, M1 U1 की वैल्यू कितनी है, U डैश V बाई 1 प्लस U डैश V बाई C स्क्वायर प्लस M2 क्या है, माइनस U डैश
प्लस वी वन माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू कितना वी। इतनी बात होगी ना। अब आइए इसी को हम प्रॉपर कैलकुलेट करते चले जाते हैं। एक बार और लिख दूं ताकि मुझे दिखे बढ़िया से। वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर प्लस एम टू माइनस यू डैश प्लस वी वन माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू वी इंटू वी। अब देखना हम लोग करते क्या। अब यहां से v का मल्टीप्लाई करूं और m1 के पास ले जाऊं m1 v। तो जब इसको यहां पर लाऊंगा तो m1 कॉमन हो जाएगा। जब m1 कॉमन होगा तो बचेगा क्या u डैश v बाई वन प्लस u डैश v बाई c स्क्वायर और माइनस v आएगा ये वाला टर्म ऐसे दो। और इस m2 को इधर ले चलता हूं। m2 मैंने कॉमन ले लिया तो v लिखा माइनस ये टर्म लिखा माइनस ये टर्म इधर ले आया मैं। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं समझ रहे होंगे आप लोग। माइनस यू डैश प्लस वी वन माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। ये बात समझ में आई। चलिए अब इसे हम लोग क्या करते कैलकुलेट करते हैं। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं u डैश v। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूं देखो माइनस u और माइनस u डैश v स्क्वायर बाई c स्क्वायर ना डिवाइड बाई कितना हो जाएगा वन प्लस u डैश v बाई कितना हो जाएगा ये v है बच्चों बाई सी स्क्वायर ये हो जाएगा विल बी इक्वल टू एम टू। यहां भी यही काम करता हूं वी माइनस इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ना दो काम करता हूं वी माइनस माइनस का भी मल्टीप्लाई करता हूं माइनस माइनस प्लस यू डैश वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ठीक ना नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई करूं तो इसमें वही रहेगा माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे में माइनस का प्लस यू डैश माइनस वी बाई वन वन माइनस तो देखिए तो ये बात हो गई। तो यहां जब मल्टीप्लाई करते तो प्लस में आ जाता और माइनस भी आ जाता ठीक। तो अब देखना हम इसे क्या करते हैं डिवाइड में क्या लिखेंगे हम डिवाइड बाई वन माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। यहां पर ये कट जाएगा ठीक। तो अब देखना अब इसको इसको एक तरह लिख देते हैं m1 m2। अब देखना क्या करता हूं क्या बचा वो लिखते हैं u डैश माइनस और यहां भी ये कट जाएगा u डैश v स्क्वायर बाई c स्क्वायर ना डिवाइड बाई वन प्लस u डैश v बाई c स्क्वायर इतना हो गया विल बी इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा पहले u डैश लिखता हूं u डैश माइनस u डैश v स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई किया था तो स्क्वायर आ गया
बाई सी स्क्वायर बाई वन माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। तो ये देखो ये टर्म कट जाएगा, दोनों तरफ सेम है क्या, ये वाला टर्म कट जाएगा दोनों तरफ ना। तो अब देखना होगा क्या इसमें, यम वन यम टू विल बी इक्वल्स टू, ये टर्म ऊपर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर बाई वन माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, इतना टर्म आएगा। ये टर्म मैं इधर लिखता हूं, तो देखना यम वन बाई यम टू विल बी इक्वल्स टू होगा कितना हमारा, वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर बाई वन माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखना तो यू वन बराबर कितना है, यू डैश वी बाई वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, तो इसका मैं अगर मैं स्क्वायर निकालू तो कितना होगा, u डैश v बाई वन प्लस u डैश v बाई सी का इसी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूंगा। अगर मैं इसी में u स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कर दू, वन बाई सी स्क्वायर कर दू, u डैश प्लस v बाई वन प्लस u डैश v बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा। देखना मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें मैं क्या कर दूं, इधर भी वन का मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं वन का, और इधर भी कर दूं, u डैश v बाई वन प्लस u डैश v का c स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, तो आगे देखते जाओ आप लोग, मैं क्या करता हूं, अब यही चीज मैं एलसीएम लूंगा, वन माइनस u1 square by c square will be equal to 1 minus 1 by c square u dash square plus v square minus 2 u dash v, a plus b का whole square मैंने खोल दिया, नीचे कितना हो जाएगा इसको वही लिख दो, u dash v by c square का होल स्क्वायर। ठीक, वन माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेता हूं, तो वन प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर इसे मैं खोलता भी हूं, होल स्क्वायर भी खोल के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक डायरेक्ट कर रहा हूं आप लोग समझ रहे हो, बाई सी पावर फोर प्लस टू यू डैश वी बाई सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर, अब ये पूरा लिख दिया, बाई सी स्क्वायर ये भी है ना, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस टू यू डैश वी बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो कटेगा कितना, कौन कौन कटेगा, ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, सेम है क्या, सेम है ना, दोनों सेम है, मैंने कट कर दिया, वन माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर, अब देखो कितना हो जाएगा, तो आगे देखिए हमने ये लिखा, अब उसके बाद ये लिखूंगा ये टर्म माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने ये वाला टर्म लिखा, ये वाला टर्म लिख देता हूं, तो ये वाला टर्म यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी पावर फोर हो जाएगा, अब बचा ये वाला मैं लिख देता हूं माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतनी बात हो गई। अब देखना मैं क्या करता हूं, वन माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर
विल बी क्वेश्चन। अब देखना इसको मैं करता क्या हूं, वन माइनस यू डैश का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऐसे लिखता हूं, और उसके बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, या माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन ले, यहां यहां तो वन आएगा, जब मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस लेते प्लस में होगा, वन माइनस ये वाला कितना हो जाएगा, यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा ये वाला। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ही टर्म मिलेगा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा, डिवाइडेड बाई तो वही रहेगा वन प्लस यू डैश बी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है देख लो, दोनों में सेम है तो इन दोनों मैंने कॉमन ले लिया, वन माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। ठीक, अब देखना अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखता हूं वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर इधर लेता हूं, और इस टर्म को नीचे ले जाता हूं, इसको यहां पर, इसको यहां पर। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा बताइए, वन माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऐसा बना दिया, दूसरा बना वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस u डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। समझ में, याद रहे हम इसे से काटेंगे नहीं, ये जो यहां पर आया है, ये जो मैं यहां लाया हूं वन माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये क्या है डैश है, यू डैश है और ये यू वन है, इसलिए आप ये मत सोचना सर काट दे क्या, ये कटेगा नहीं, ये टर्म अलग अलग चीजें, ये यू वन है और ये यू डैश है, याद रहे इतना याद है ना। अच्छा अब देखना मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं, वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूं, इन पहले स्क्वायर था ही, यहां देखो आप लोग, तुम लोग तो देखो ही नहीं करते, यहां स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर था ना यहां पर, तो वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, इसको रूट को स्क्वायर को हटाओ तो इधर रूट लग जाएगा, जब रूट लग जाएगा वन माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर ए ले लेता हूं। ठीक, सिमिलरली बताओ यही चीज, यही चीज सिमिलरली बताओ, सिमिलरली बताओ वन प्लस, सॉरी अब प्लस भी है तो जब क्या करते माइनस रखूंगा तो यहां पे कितना माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आएगा रूट में वन माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दूसरा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सब कुछ वही रहेगा, यही यू टू हो जाएगी, यहाँ माइनस और यहाँ यू टू, क्योंकि जो ये पार्टिकल था इसकी वेलोसिटी यू डैश था लेकिन इसकी वेलोसिटी माइनस यू डैश था, ये एम टू था, एम टू के लिए ये कितना हो जाएगा यू टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यू की जगह माइनस रख माइनस आ जाएगा, यहाँ यू वन की जगह यू टू आ जाएगा। ठीक, समझ गए,
ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को हम यूज करेंगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने देखा होगा, द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ए एंड बी पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, देखो m1/m2 था और क्या था 1+u'(p/c²) / 1-u'(v/c²। आई थिंक यही था, आप पीछे पेज पलट के देख सकते हो। और इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका, जिसको जिसे नाम मैं a1 a2 दिया, सॉरी ए बी दिया। अब पुट कर देता हूं यहां पर 1-u'(2)/c²) / 1-v²/c²) / 1-u1²/c²। इतना बड़ा डिवाइडेड, ये लिखा फिर से कितना हो जाएगा 1-u'(2)/c²) / 1-v²/c²) / कितना हो जाएगा 1-u2²/c²। चलो अब देखना, ये पूरा टर्म कट जाएगा ऊपर वाला, तो बचेगा कितना बोलो, और ये ऊपर जाएगी या नीचे, ठीक, तो बचेगा क्या, देखो आगे लिखता हूं m1/m2 हो जाएगा और आएगा कितना √(1-u2²/c²) / 1-u1²/c²। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, पूरा रूट में बनाओ 1-u2²/c²) / 1-u1²/c²। ये है हमारा रिलेशन। अब यहां से देखिए हम केस करेंगे, ठीक, केस m2 इज एट रेस्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। m2 क्या है, रेस्ट में, रेस्ट में होने का मतलब m2 कितना, m2 m0 हो जाएगा, m0 मतलब रेस्ट मास, रेस्ट में है तो रेस्ट मास, दिस इज द रेस्ट मास m2। और जब रेस्ट में होगा तो u2 जीरो होगा ऑब्वियसली, और u1 क्या होगा, v हो जाएगा, और जो m1 है वो m हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है m1 by m2 का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, 1-u2²/c², / 1-u1²/c²। यही तो है ना, तो यहाँ पर चलिए पुट कर देता हूँ, m1 की जगह m है, m2 की जगह m0 है, रूट में 1-v² की जगह कितना है 0/c²/(1-u1) की जगह कितना है v²/c²। तो m/m0 will be equal to, यहाँ कोई मतलब नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और m will be equal to क्या लिखूं, m0 रूट में 1-v²/c²। दिस इज द वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी फॉर्मूला, यही है। आप इससे पहले इसके बारे में देखा करते थे, आज आपने प्रूव किया, आपको दिख रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए नहीं आप लोग, यही है वो जिसकी हमें तलाश थी, यानी वेलोसिटी के साथ इसका ये क्या है, वेरिएशन है मास का, ठीक है ना। यम नॉट इज द प्रॉपर मास, सॉरी प्रॉपर मास वही एक्चुअल मास यानी रेस्ट मास, और यम इज द वेरिएटेड मास,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए इसमें और केसेस हम देखते हैं। केस इफ क्या हो जाएगा, v इज वेरी वेरी लेस देन c, देन अगर v बहुत स्मॉल हो तो देखिए 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, तो ये कह रहा बहुत लेस है, इसके रिस्पेक्ट बहुत लेस है, इसका मतलब v बाई c इज अप्रोच टू जीरो, ये बहुत लेस है c के रिस्पेक्ट में, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर आल्सो इज इक्वल टू जीरो, समझ रहे ना, तो m will be equal to कितना m not आएगा, क्योंकि यहाँ की वैल्यू अगर आप रखेंगे 1 माइनस जीरो तो m will be equal to obviously इतना आएगा, कब जब बहुत लेस हो, यानी क्लासिकली ये सही, क्लासिकली नहीं वेरी करता है, क्लासिकली मतलब बहुत जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगा बहुत स्मॉल होगा तो वेरी नहीं करता है क्लासिकली, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक हम देखें तो वो वेरी करता है, तो आगे हम देखते हैं अगर इसकी वेलोसिटी को और क्या कर दे कंपेरेबल कर दिया जाए सी के, केस केस नंबर थर्ड देखते हैं, अगर इफ क्या हो जाए v अप्रोक्सीमेट इक्वल टू c, c के अप्रोच में हो तब क्या हो जाएगा, तो देखिए जब भाई अभी स्मॉल था ठीक, अगर c के अप्रोच में हो तो m will be equal to m not रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये अप्रोच में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, जब कम आएगी तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो सो m इज ग्रेटर देन m नॉट, इसका मतलब इट मीन्स द मास ऑफ मूविंग बॉडी will be increases with increases of velocity के increase करने पर mass क्या करेगा, increase करेगा, यही केस नंबर नेक्स्ट देख लेता हूं, इफ v कितना हो जाए c के बराबर हो जाए, c के बराबर हो जाए तो आप देखना m नॉट रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, m will be equal to m नॉट, ये कट जाएंगे ना, रूट में 1 माइनस 1 m माइनस रूट में सॉरी m will be equal to m नॉट बाई 0 समथिंग बाई 0 will be equal to infinity, मतलब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास इन्फिनिटी हो जाएगी, विच इज नेवर पॉसिबल इट मीन्स वी कैन नॉट गिव वेलोसिटी ऑफ लाइट to any object. किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी नहीं दे सकते तो इसका मास इनफिनिटी हो जाए, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ गया होगा बच्चों, ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, ओके ठीक, बाय।